हमें कम आंक कर खुद को ही बेहतर मान बैठे हैं, हमें कम आंक कर खुद को ही बेहतर मान बैठे हैं कि जुगनू आजकल खुद को दिवाकर मान बैठे हैं। सवारी किस्मतें जिनकी हमी ने हाथ से अपने, सवारी किस्मतें जिनकी हमी ने हाथ से अपने, वही खुद को हमारा अब मुकद्दर मान बैठे हैं, वही खुद को हमारा अब मुकद्दर मान बैठे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जनेन, वंदे मातरम। मैं हूं अनामिका जय नंबर और स्वागत करती हूं आप सभी का हिंदुस्तान के नंबर वन न्यूज चैनल जी न्यूज पर चल रहे आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कवि युद्ध। लोकतंत्र के देह की आत्मा होती है जनता, और जनता अपने लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है, वो प्रतिनिधि जो जन प्रतिनिधि होकर के योजनाएं बनाता है, वो प्रतिनिधि जो जन प्रतिनिधि होकर के नीतियों का निर्धारण करता है, और ये योजनाएं ये नीतियां जो क्रियान्वित की जाती हैं उसके लिए सरकारी कर्मचारी और अफसरों का भी निर्धारण होता है। जब ये योजनाएं जनता तक ना पहुंच पाए, क्रियान्वित होते हुए जनता इनका लाभ ना उठा पाए, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है, और वो प्रश्न चिन्ह कहीं नौकरशाही, वो प्रश्न चिन्ह कहीं बाबूशाही, या वो प्रश्न चिन्ह कहीं फीताशाही को लगता है। ये सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। आइए इस बात पर चर्चा करने के लिए हम जिस कार्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसे आप सब बहुत मोहब्बत से, बहुत प्रेम से एक युद्ध का नाम देते हैं, और जिस युद्ध को हम भी बहुत प्रेम से कहते हैं, कवि युद्ध। यहाँ आज कवि यही बात लेकर के आए हैं, ये बताएंगे कि कहाँ योजनाएं वहां से चल करके निकलती हैं और कहाँ जाकर के उन पर क्या क्या विराम लगते हैं, क्यों जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, कहाँ फाइल अटक जाती है, कहाँ सिग्नेचर अटक जाते हैं, कहाँ क्या घोटाला हो जाता है, कहाँ क्या भ्रष्टाचार हो जाता है, और कहाँ सदाचार है जो प्रतीक्षा करता है कि कोई ऐसे कवि आए और वो कवि अपनी कलम चलाएं और एक युद्ध के माध्यम से उस बात को जनता तक पहुंचाएं जिस बात की ये जनता प्रतीक्षा कर रही है। प्रारंभ करते हैं आज के इस कवि युद्ध को, जो नौकरशाही, बाबूशाही और फीताशाही के बीच की एक कड़ी है हमारे बीच। मैंने बताया उपहार स्वरूप जो युगल यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका एक परिचय देती हूँ। आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, आदरणीय मंजू जी, मंजू जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कानपुर बुंदेलखंड में अध्यक्ष के रूप में आसीन है, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही वो सदस्य ग्राम पंचायत औरैया से हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहती हूँ एक बार उनके शान में जोरदार तालियां हो। मैं पहले कवि को आमंत्रण देना चाहती हूँ, जो पहले कवि यहाँ पर उपस्थित है उनके लिए मैं कहती हूँ कि देश का बेड़ा गर्क हुआ, नहीं आपने नहीं किया, सुने कि देश का बेड़ा गर्क हुआ, बने निजी सब काम, इसके लिए आ ही जाइए अब अजय अंजाम। एक बार जोरदार तालियां हो अजय अंजाम जी आपके लिए। नमस्कार। देश में योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन उनका कंप्लायंस कितना होता है और किस तरह से होता है देश में, और उससे क्या हास्यास्पद स्थिति क्रिएट होती है, वो देखिएगा। पहला छंद समर्पित करता हूं। स्वागत है। काम चल रहा था सरकारी पौधे रोपण का, कारपेट भी बिछी लगाया गया टेंट था, डीएम को बदबू लगे ना कहीं, इसीलिए गोबर की खाद में मिलाया गया सेंट था। तीन थे मजदूर, उसमें दो थी महिलाएं, और तीसरा जो आदमी था वही बस जेंट था। एक ने था गड्ढा खोदा, दूसरे ने मिट्टी डाली, तीसरा लगा था पौधा, वो ही एब्सेंट था। ये योजनाओं की सच्चाई है अपने देश में। मैंने भी कागज से एब्सेंट कर दिया उसे। बहुत शानदार। बूढ़ा दाना गांव जहां खेती थी हमारी खूब, किंतु आधे खेत सीलिंग का बवाल खा गया। वाह। बूढ़ा दाना गांव जहां खेती थी हमारी खूब, किंतु आधे खेत सीलिंग का कमाल खा गया। बाबा और चचेरे बाबा में हुआ विभाजन, तो बाकी में से आधे खेत वो बवाल खा गया। वाह।
पापा और चाचा में विवाद मेड़ का हुआ तो आधा माल फिर वकीलों का आधा माल खा गया, और चाचा जी का पूरा खेत डीएम पचा गए तो पापा जी का पूरा खेत लेखपाल खा गया। योजनाओं के कंप्लायंस में ये दिक्कत है साहब। एक बात बहुत स्वाभिमान के कहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उसको बहुत ही गर्व के साथ लें, अगर ये हिंदुस्तान 125 करोड़ या 135 करोड़ लोगों का देश है तो उसमें से एक हिंदुस्तान, एक हिस्सा हिंदुस्तान आप भी हो, एक हिस्सा हिंदुस्तान मैं हूँ। इसलिए जो कुर्सियों पर बैठा है वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, आप भी हिंदुस्तान का हिस्सा हो। एक नया सा गीत इसी विषय पर हो गया, आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। स्वागत है। आप ही साधन हो साहब, आप ही तो साध्य भी हो, आप ही आराधना हो, आप ही आराध्य भी हो, आप ही तो मान हो सम्मान हो, आप ही एक हिस्सा हिंदुस्तान हो, आप ही एक हिस्सा हिंदुस्तान हो। और करते जो कुछ भी है हम ही लोगों को करना है, सुनिएगा। हांकते हो आप हल को और उपजाते फसल को, काटते भी आप ही हो, बेचते भी आप ही हो, आप ही इस देश का अभिमान हो, आप ही इस देश का अभिमान हो, आप ही एक हिस्सा हिंदुस्तान हो, आप ही एक हिस्सा हिंदुस्तान हो, आप ही अर्जी लगाते, पीड़ित पीड़ित भी आप ही, आप ही अर्जी लगाते, आप ही डिक्री कराते, आप ही डीएम भी हो, आप ही पीएम भी हो, आप ही तो मुल्क की पहचान हो, आप ही एक हिस्सा हिंदुस्तान हो, आप ही एक हिस्सा हिंदुस्तान हो। और एक प्रतीक के माध्यम से रखने की कोशिश की अनामिका जी, स्वागत है। आप ही बाबा अली हो, आप ही बाबा अली हो, आप ही 40 भी हो, आप ही आरोपियों में आप न्यायाधीश भी हो, आप ही आरोपियों में आप न्यायाधीश भी हो, भूत हो तुम ही भविष्यत, तुम ही वर्तमान हो, एक हिस्सा तुम ही हिंदुस्तान हो, एक हिस्सा तुम ही हिंदुस्तान हो। और आखिरी बंद सुनिएगा, हम ही को करना है इस देश के लिए जो कुछ करना है। अगर हम किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां हमारी ओर होती हैं। उस जिम्मेदारी को महसूस करके आइए इस देश को एक नया रंग देने की कोशिश करें। मत करो खुद को प्रताड़ित, आप भी तो हो प्रभावित। सबसे निवेदन है जो जहां बैठा है, मत करो खुद को प्रताड़ित, आप भी तो हो प्रभावित, स्वयं की नीयत संवारो, देश की सूरत संवारो, स्वयं की नीयत संवारो, देश की सूरत संवारो, वो करो जिससे नया निर्माण हो, आप भी एक हिस्सा हिंदुस्तान हो, आप भी एक हिस्सा हिंदुस्तान हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, एक बार जोरदार तालियां, बहुत शानदार कार्यपाठ। आप ही एक हिस्सा हिंदुस्तान हो, इन्हीं बातों को हंसते हंसते और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से यदि हम प्रताड़ित होते हैं तो इन्हीं बातों को कलम लेकर के तुरंत कागज पर चलाते हैं, और कलम लेकर के जब कागज पर चलाते हैं तो देश के वो शानदार व्यक्तित्व कवि बन जाते हैं, जो बहुत शानदार संचालक भी हैं, बहुत उम्दा संचालक भी हैं, देश के बेटे हैं क्योंकि देशभक्ति की बात करते हैं। आपके बीच पहले भी कई बार बहुत शानदार संचालन से कवि युद्ध में जुड़े हुए रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी जीवन संगिनी हूं। मैं आवाज देती हूं क्रांति धरा मेरठ से पधारे हमारे बीच आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी के लिए। आपकी तालियां बजती रहे जब तक वो मंच पर आते हैं। जय हिंद, जय भारती। नए कलेवर में ये कवि युद्ध आपके बीच में है, अनामिका यहाँ पर संचालन कर रही हैं जी। और आज का विषय बहुत शानदार है, मैं जी न्यूज को ऐसे विषयों पर जो कविता पाठ आप तक पहुंचा रहे हैं, कवियों को लिखने के लिए विवश कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्या मैंने महसूस किया वो बात आप तक पहुंच जाए मेरे शब्दों से, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों तक बात पहुंचे, कि नौकरशाही फीताशाही का मेल भी है और युद्ध भी है। वाह,
कि नौकरशाही फीताशाही का मेल भी है और युद्ध भी है, ये पूरक है एक दूजे की और एक दूजे से क्रुद्ध भी है, कि ये पूरक है एक दूजे की और एक दूजे से क्रुद्ध भी है। नौकरशाही की साख बड़ी है, रुआब शक्ति है सरकारी, वो पढ़ा लिखा है सूझबूझ से बना बड़ा वो अधिकारी, कि वो पढ़ा लिखा है सूझबूझ से बना बड़ा वो अधिकारी। उधर जिसे जनता ने अपना प्रतिनिधि बन खड़ा किया, कि उधर जिसे जनता ने अपना प्रतिनिधि बन खड़ा किया, उस नेता के कद को खुद ही प्रजातंत्र ने बड़ा किया, उस नेता के कद को खुद ही प्रजातंत्र ने बड़ा किया। और जहां हम लोग प्रताड़ित हैं, आम जनता प्रताड़ित है, वो दुख मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। काश आज जैसे जी न्यूज ने एक ऐसे युगल को बुलाया जो हमारे लिए मिसाल है, अगर हिंदुस्तान के हर एक मंच पर हर एक सदन में हम लोग ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर दें जो वास्तव में हमारे इतिहास को बदलने की क्षमता रखें, तो आज ये कवि युद्ध यहां पर बैठ करके हम लोग भ्रष्टाचार के ऊपर कविता ना पढ़ें, ऐसा स्वप्न देखते हुए मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, बात पहुंच जाए। कि भ्रष्टाचार में लिप्त कई हमने अधिकारी देखे हैं, सदाचार वायरल करते किससे अखबारी देखे हैं, कि सदाचार वायरल करते, आप लोग देखें मोबाइल पे बड़े बड़े काम दिख रहे हैं, सदाचार वायरल करते किससे अखबारी देखे हैं, वो वीडियो में तो ठेकेदार को अक्सर डांटा करती थी, कि वो वीडियो में तो ठेकेदार को अक्सर डांटा करती थी, लेकिन उन पर आरोप था कि वो अपनी जेबें भरती थी। रिश्वतखोरी तो जैसे इनका अधिकार हो जन्म सिद्ध, कि रिश्वतखोरी तो जैसे इनका अधिकार हो जन्म सिद्ध, ये देश देह है निर्बल की बैठे अधिकारी बने गिद्ध, कि ये देश है देह है निर्बल की बैठे अधिकारी बने गिद्ध। रिश्वतखोरी के महकमे में ये स्थितियां देखी हैं, पैसा दो तो हो काम नहीं तो केवल तिथियां देखी हैं, जब तक न लगे नोटों के पांव फाइल भी आगे बढ़ती नहीं, कि जब तक न लगे नोटों के पांव फाइल भी आगे बढ़ती नहीं, जो वार फेर ना हो तब तक दुल्हन डोली को चढ़ती नहीं, कि जो वार फेर ना हो तब तक दुल्हन डोली को चढ़ती नहीं, रोशन घर को करने में मोम सरकारी सार पिघल गया, कि रोशन घर को करने में मोम सरकारी सारा पिघल गया, रिश्वतखोरी का दानव उन्नति के सपनों को निगल गया, रिश्वतखोरी का दानव उन्नति के सपनों को निगल गया। और पंक्तियां देता हूं सुनिएगा, कि हमने तो पढ़े लिखे अफसर को यूं भी जीते देखा है, बेगैरत मंत्री के जूतों के बांधते फीते देखा है, सत्ताधीशों के दरबारों में कठपुतली की भांति हैं, बाबा की गोदी में अबोध जैसे पोते और नाती हैं, कि बाबा की गोदी में अबोध जैसे पोते और नाती हैं, जो कल तक साझेदार थे, इशारा करता हूं बात समझ जाना, कि जो कल तक साझेदार थे अब उनको भी ऐठे देखा है, कि जो कल तक साझेदार थे अब उनको भी ऐठे देखा है, मंत्री जी के संग डीएम को धरने पर बैठे देखा, क्या बात है, धरने पर बैठे देखा है। ये जनसेवक, ये कहा जाता है कि ये जनता की सेवा करते हैं, जनसेवक हैं, लेकिन मैंने क्या महसूस किया वो पंक्तियां देता हूं, कि ये जनसेवक तारे बनकर बैठे रहते हैं अंबर पर, अधिकांश तलक से बात नहीं होती सीयूजी नंबर पर, कि अधिकांश तलक से बात नहीं होती सीयूजी नंबर पर, मद मस्त हाथी पर कुशल महावत काबू कर ही लेता है, तैराक उतर कर रत्नाकर में मोती भर ही लेता है, कि तैराक उतर रत्नाकर में मोती भर ही लेता है, सिंहासन पर सख्त हो शासक, कि सिंहासन पर सख्त हो शासक तो अधिकारी डरते हैं, सही समय पर ऑफिस जा जनता की सेवा करते हैं, कि सही समय पर ऑफिस जा जनता की सेवा करते हैं।
और अंतिम मंद देता हूं, अंतिम पंक्तियां देकर के विदा चाहता हूं। जो मैंने सपना देखा, अगर वो सपना आप लोगों का हो और मैच करे तब मुझे आप लोग समर्थन देकर के यहां से विदा करना कि है एक घड़ी में सुई दो, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। कि है एक घड़ी में सुई दो, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। दोनों को चलना साथ में ये दोनों की ही मजबूरी है। सत्ता और शासन एक सिक्के के दो पहलू ही होते हैं। हम काटते वो ही फसल, असल में बीज जो दोनों बोते हैं। शासन सत्ता की कीमत समझे, शासन सत्ता की कीमत समझे, और सत्ता भी शासन की, तब ही बन सकती है मिसाल नव भारत में अनुशासन की। तब ही बन सकती है मिसाल नव भारत में अनुशासन की। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां, बहुत शानदार काव्य पाठ के लिए। बहुत अच्छी बात कही, दोनों को सामंजस्य बना करके रखना ही है। एक बात कहती हूँ, मुझे कुछ बात याद आ गई है, आप तक पहुंचाती हूँ। सुने कि हुई तरक्की कितनी देखो तुम टेबल के नीचे से। सही बात है, और ये आप ही के लिए समर्पित कर रही हूँ क्योंकि अगला नंबर आपका है। सुने कि हुई तरक्की कितनी देखो तुम टेबल के नीचे से, और समय की गति को परखो तुम टेबल की नीचे से। अटकी फाइल उड़ेगी अंबर केवल उसके बाबू को, अटकी फाइल उड़ेगी अंबर केवल उसके बाबू को। एक गुलाबी पत्ती दे दो तुम टेबल के नीचे से, एक गुलाबी पत्ती दे दो तुम टेबल के नीचे से। देश में हालात तो कुछ ऐसे हैं, लेकिन इस गुलाबी पत्ती के साथ हम जिनका बहुत खूबसूरत फेस है, साथ में सरफेस भी है, मैं उन्हें आमंत्रण देने जा रही हूं जिनका नाम दिनेश देहाती जी होता है। एक बार जोरदार तालियां हो दिनेश देहाती आपके बीच। जब तक वो माइक तक आए आपकी तालियां आमंत्रण देती रहे। दिनेश देहाती जी, अनामिका जी के इस शानदार संचालन में आपके सामने भ्रष्टाचार पर बहुत सारे कवियों ने अलग अलग बातें की, मेरा अंदाज थोड़ा सा अलग है, देहाती हूँ संभाल लेना। हाँ। मैं कहता हूँ अपने तरीके से बात, काव्य शिल्प ढूंढिएगा आप। हाँ। के भ्रष्टाचार भर गया भगवान भारत भर भारी। हाँ। के भ्रष्टाचार भर गया भगवान भारत भर भारी, बिना दान दक्षिणा दे दूर न हो बेकारी। हाँ। बिना दान दक्षिणा दे दूर न हो बेकारी, और रोटी की तलाश करते करते खुद पापड़ हो गए। आदमी को क्या क्या दिन दिखाती है लाचारी, क्या बात है। आदमी को क्या क्या दिन दिखाती है लाचारी। और भ्रष्टाचार के बहुत सारे रूप, एक रूप में और दिखाऊं कि किससे मिलाए हाथ किसको टाले, किससे मिलाए हाथ किसको टाले, घर घर दर दर हर तरफ घोटाले, घर घर दर दर हर तरफ घोटाले। ईमान का सीना छलनी पाँव में छाले, ईमान का सीना छलनी पाँव में छाले, और बेईमानी की इमारत के दस दस माले, और बेईमानी की इमारत के दस दस माले, और मुफलिसी में बेचे उसने घर के दरवाजे तक, और रईसों के घर देखो ताले पर ताले, रईसों के घर देखो ताले पर ताले। खुदा भी उस माँ की बेबसी पर रोया था, खुदा भी उस माँ की बेबसी पर रोया था, भूखे बच्चे को बहलाने जिसने पत्थर उबाले, भूखे बच्चे को बहलाने जिसने पत्थर उबाले। और उनकी जूठन भी गरीबों की खुराक से ज्यादा है, उनकी जूठन भी गरीबों की खुराक से ज्यादा है। देहाती जिनका मुंह चिड़ाते हैं निवाले, क्या बात है। के नौकर साहब अपनी औकात पर आते हैं तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, सरेआम बीज बाजार ही रिश्वत मांग जाते हैं, सरेआम बीज बाजार ही रिश्वत मांग जाते हैं। आदतों से लाचार थे स्वाभिमान को भूल गए थे, आदतों से लाचार थे स्वाभिमान को भूल गए थे, और कौड़ियों के चक्कर में दो खुद दो कौड़ियों के हो गए थे, कौड़ियों के चक्कर में खुद दो कौड़ी के हो गए थे। जागा आत्मसम्मान तो वतन के गुण गाते हैं, जागा आत्मसम्मान तो वतन के गुण गाते हैं, और लोकायुक्त का भय ही सही अब घुस कम ही खाते हैं, लोकायुक्त का भय ही सही अब घुस कम ही खाते हैं। और इनके निरंकुशता पर प्रहार करती कुछ पंक्तियां कि जो आए ना काबू उसे ही कहते हैं बाबू साहब।
देश का हर सिस्टम है आजकल बेकाबू साहब। क्या बात है? देश का हर सिस्टम है आजकल बेकाबू साहब। मंगल पर दंगल कर चल पड़े चांद की माद में भी, ठहरे ठहरे सब मन मर्जियां, कोई नियम नहीं इन पे लागू साहब। और बाबू की करामातों पे बात तो और है, और हम ये कह रहे हैं आपसे कि जागो भारत का नारा, अजय अजाम जी जी स्वागत, कि जागो भारत का नारा लगाने वाला ही सो रिया। नौकर साहों के राज में बोलो भगवान ये क्या हो रिया, नौकर साहों के राज में बोलो भगवान क्या हो रहा हो रिया। सीमेंट रेत गारा को सबने मारा, सड़के किस्मत पे रो रही, चोर डाकू चिरकुट लड़ाकू सबको देश ढो रिया। तरक्की पे है चंद्रयान, गांव में टूटे हैं मकान, नौकर साहों के राज में सब कुछ गड़बड़ हो रिया। क्या बात है, नौकर साहों के राज में सब कुछ गड़बड़ हो रिया। और ये पंक्तियां आप तक पहुंचे कि नेताजी कभी हमारे गांव देहात भी देखो पधार के, कि नेताजी कभी हमारे गांव देहात भी देखो पधार के, लिंक फेल सर्वर डाउन परेशान है छोरे छोरिया, परेशान है छोरे छोरिया। जागो भारत का नारा लगाने वाला ही सोरिया, जागो भारत का नारा लगाने वाला ही सोरिया। कि देश के मुखिया कहते हैं सबसे एक ही बात, साथ चलेंगे हम और तुम डाल डाल पात पात, साथ चलेंगे हम और तुम डाल डाल पात पात, और राष्ट्र के सजग प्रहरी नजर पे नजर रखते, विश्व गुरु का काम शुरू करेंगे नई शुरुआत, विश्व गुरु का काम शुरू करेंगे नई शुरुआत, नई शुरुआत। और मोदी जी का सपना उन्नत राष्ट्र और सुदृढ़ समाज हो, मोदी जी का सपना उन्नत राष्ट्र और सुदृढ़ समाज हो, अधिकारी और कर्मचारी कर्मठ और जाबाज हो, क्या अधिकारी कर्मचारी कर्मठ और जाबाज हो, और द्रुत गति से बड़े हम सब प्रगति पथ पर, द्रुत गति से हम सब बड़े प्रगति पथ पर, गौरव गाथा गाए उनकी जिन पर है सबको नाज, गौरव गाथा गाए उनके जिनको है सब पर नाज। और सशक्त नेतृत्व को अब सारे सिस्टम ने मान लिया, सशक्त नेतृत्व को सारे सिस्टम ने मान लिया, राष्ट्रहित और कर्तव्यों को भली भांति जान लिया, तब हमें कहते हैं कि करोगे राष्ट्रहित में कार्य तो हम स्वागत करेंगे अभिनंदन करेंगे, महिमा मंडन करेंगे तुम्हारा और भार पर लाल चंदन करेंगे। जनता दरबार में फैसला अब लाइव होने लगा है बाबू, जनता के दरबार में फैसला अब लाइव होने लगा है बाबू। कुसित मानसिकता रखी अगर तो होगी बरसना, जन जन बुराई करेंगे, बुराई जन जन करेंगे, बुराई जन जन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों, बहुत शानदार तालियों दिनेश देहाती जी ने किया। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ कि एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो, एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो, मैंने तुमको चुना तुम भी मुझको चुनो, मैंने तुमको चुना तुम भी मुझको चुनो। जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, तुम कहो मैं सुनूं मैं कहूं तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं मैं कहूं तुम सुनो। तो आप तब सुन पाएंगे जब मैं कहूंगी, और मैं तब कहूंगी जब आपकी तालियां मुझे आमंत्रण देंगी। मैं भी आती हूँ एक बार आपकी तालियां मुझे देंगे। स्वागत है कि उम्मीदों की एक ठाव है अफसर बाबू चपरासी, व्याकुल मन की धूप छाओ है अफसर बाबू चपरासी, जितना जितना ये चलते हैं देश तरक्की करता है, जितना जितना ये चलते हैं देश तरक्की करता है, लोकतंत्र के हाथ पाओ है अफसर बाबू चपरासी, लोकतंत्र के हाथ पाओ है अफसर बाबू चपरासी, लोकतंत्र के हाथ पाओ है अफसर बाबू चपरासी। लेकिन आज आप में से हर कोई यहां पर इस बात से प्रताड़ित है कि आखिर ये फाइल कहां अटक जाती है, क्यों हम प्राइवेट्स को सबसे पहले प्रेफर करते हैं, क्यों जब भी बात आती है ये सरकारी काम है, सरकारी हर बात के लिए सरकारी काम क्यों कह देते हैं, क्या कारण है, कहां देश लैग करता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। कि हसरत हमारे दिल की थी जो दिल में दब के रह गई, करती जो कश्ती पार वो साहिल में दब के रह गई, करती जो कश्ती पार वो साहिल में दब के रह गई, बाबू की जेब का नहीं जो ताप
तापमान बढ़ सका। बाबू की जेब का नहीं जो तापमान बढ़ सका। योजना सरकार की फाइल में दब के रह गई। योजना सरकार की फाइल में दब के रह गई। योजना सरकार की फाइल में दब के रह गई। और ये फाइल कैसे खुलती है आप तक बात पहुंचाती हूँ। सुने कि हरे गुलाबी नोटों वाले चमन के बल पर चलती है। चापलूसी की समिधा वाले हवन के बल पर चलती है। जिस कागज पर वजन रखा हो वो हिल भी ना पाता है। जिस कागज पर वजन रखा हो वो हिल भी ना पाता है। ये सरकारी फाइल है ये वजन के बल पर चलती है। ये सरकारी फाइल है ये वजन के बल पर चलती है। ये सरकारी फाइल है ये वजन के बल पर चलती है। और इतनी अच्छी अच्छी पैरोडी हुई, आइए एक पैरोडी मैं आप तक पहुंचाती हूँ। यकीन मानिए मैं जानती हूँ कि आपको पैरोडी पसंद आएगी। आदरणीय डीएम साहब को समर्पित करती हूँ, ये इसलिए समर्पित करती हूँ कि ये भ्रष्टाचार के नाम पर कलंक है। मेरी बात आप तक पहुंच जाए, ये व्यंग था। ये भ्रष्टाचार के नाम पर वाकई, जो भ्रष्टाचार में सदाचार कहीं कलंक ही होता है और ये उपाधि उनको मिलती है। मैं आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ, सुने। आपको नाम करती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। कि टाइम पर काम करवाना है, टाइम पर काम करवाना है तो कुछ ना कुछ तो चढ़ाना पड़े। टाइम पर काम करवाना है तो कुछ ना कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा। फाइल का मुख अगर देखना है जेब का मुख दिखाना पड़ेगा। फाइल का रुख अगर देखना है जेब का मुख दिखाना पड़ेगा। किस प्रकार से वो दिखाया गया जिसे हमने देखा, लेकिन असलियत क्या थी, क्या कारण था कि बल्ला उठाना पड़ा, क्या कारण था? कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कोई ऐसे ही थोड़े ही निकल पड़ता है डंडा बल्ला लेकर। तब कहती हूँ आनंद लीजिए, आपका साथ चाहिए, थोड़ा सा और मेरा साथ दें। कि जिसकी जितनी भी औकात होगी उसकी उतनी ही सौगात होगी। ये तो निर्भर करे सिचुएशन पर, घूस या घूसार लात होगी। पानी सर से गुजर जाए तो इन पे बल्ला उठाना पड़ेगा। पानी सर से गुजर जाए तो इन पे बल्ला उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार। एक बार पूरा सदन मुझे साधुवाद दे, यानी कि मुझे मन दे, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साथ दे देना। सुना कि कुछ अधिकारी सख्त बहुत हैं, कुछ हैं फंकी से फंकी। कुछ अधिकारी सख्त बहुत हैं, कुछ हैं फंकी से। आओ हम भी कविता सुन लें यशोदा सोलंकी से। जोरदार तालियां हो यशोदा सोलंकी जी आपकी। आपकी तालियां बजती रहे ताकि उनको चलने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं जी न्यूज के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। कि उड़े जब जब नोट इन पर, क्या बात है, उड़े जब जब नोट इन पर तो जनता का काम बनता, तो जनता का काम बनता। हिंद जानिए इनकी रिश्वत खोरी को, इनकी रिश्वत खोरी को एक तो सलाम बनता। एक
तो सलाम बनता हिंद जानिए बहुत करप्शन है ओ भैया बहुत करप्शन है बहुत करप्शन है ओ भैया बहुत करप्शन है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अजय अंजाम जी ने अपना काम किया, सौरभ जी ने अपना काम किया, दिनेश देहाती जी ने तो बहुत ही बड़ा काम किया, सब ने अपना अपना काम किया। तो इसी काम पर मैं एक बात कहती हूँ कि बाबू शाही करते हैं अपना काम, नौकर शाही करते हैं, और नौकर करते हैं अपना काम, बाबू करते हैं अपना काम, अफसर करते हैं अपना काम, कर्मचारी करते हैं अपना काम, देश करता है अपना काम, हम सब करते हैं अपना काम, आपको भी करना होगा अपना काम। तो हम लेते हैं एक अल्प विराम। और इसी बीच हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। वहां पर उनका पूरा परिवार मौजूद है। ये घर है शीला दीक्षित की बहन का और यहां से उनका जो घर है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर कहा जाता है, लेकिन क्योंकि पहले से ही शीला दीक्षित का परिवार यहां पर मौजूद था इसीलिए उनके पार्थिव शरीर को यहां पर लाया गया। तमाम नेता पहुंचे हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शीला दीक्षित को। और अब ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी बेटी और उनकी पोती आप देखिए संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के जो बेटे हैं वो आप तस्वीरों में देखिए, प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। कैसे ये जो घटना घटी है इसके बारे में जाहिर तौर पे जब कोई जाता है तो ऐसी ही बातें पूछता है कि क्या कारण रहा होगा, क्योंकि किसी को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि शीला दीक्षित इस तरह से सबको छोड़कर जा चुकी हैं, क्योंकि 3 दिन पहले तक बेहद सक्रिय थी वो और बैठकों का दौर चल रहा था। अगर दिल्ली की बात करें, कांग्रेस को लेकर तमाम जो कार्य योजनाएं हैं वो बनाई जा रही थी संगठन के तौर पर। और ये एक तस्वीर सोनिया गांधी की जब वो पहुंची थी और जाते ही सबसे पहले जो शीला दीक्षित की बेटी है वो उनसे लिपट पड़ी और ढांढस बांधती हुई सोनिया गांधी आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें जब वो पहुंचे थे शीला दीक्षित को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। सरकारी कामों की हम बात कर रहे हैं, उस फाइल की जिस पर लोग कहते हैं, हम नहीं, लोग कहते हैं कि जब तक उस पर पैसे ना रखे हो, लोग कहते हैं जब तक उस पर नोटों का वजन ना हो वो फाइल भारी नहीं होती, और फिर भारी होने के बाद इतनी हल्की नहीं होती कि वो जल्दी 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 साइन लेकर के आए। इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के लिए मैं जिन्हें आमंत्रण दे रही हूं उनका नाम होता है श्री अजय अंजाम जी। एक बार जोरदार तालियां हो अजय जी आपके बीच। एक बार फिर से नमस्कार। शुक्ला जी ने उज्ज्वला का गैस चूल्हा खा लिया जी, आयुष्मान का कमीशन खान साहब खा गए, ओहो, और अफसरों ने ही निगल ली सारी ही सहायताएं, बाबू लोग तो खुशी का जहान साहब खा गए। घर जो मिला था मुझे PMY के अधीन, मेरा वो आवास तो चौहान साहब खा गए। और सबसे आखिरी का जवाब थोड़ा और ध्यान से सुनना, जिस तरह से उसने कहा शब्द उसके हैं, जोड़े मैंने, घर जो मिला था मुझे PMY के अधीन, मेरा वो आवास तो चौहान साहब खा गए। स्वच्छता मिशन के तहत हो तो गई थी अलाट, लेकिन मेरी टॉयलेट प्रधान साहब खा गए। बहुत शानदार, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, ये आलम है भाई साहब। अच्छा ये नहीं है कि हर बार यही है, कुछ लोग हैं जो डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, समर्पित हैं, जैसे आदरणीय DM साहब बैठे हैं, हमारी देश की सत्ता के
सत्ता के गलियारों में भी कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी कार्यशैली हमें प्रभावित करती है, वर्ल्ड में हमारे नाम को चमका रही है। ऐसे लोग अगर काम करते हैं तब क्या परिणाम होता है, वो भी अजय अंजाम के कलम से सुनिए। स्वागत है। भाग गए जो धन लेकर वो खर दूषण भी आएंगे। अगर अपनी अपनी ड्यूटी करने पर हम आमादा हो जाएं तो ये सारे दिन भी हमें देखने को बहुत जल्द मिलेंगे। सुनिएगा। भाग गए जो धन लेकर वो खर दूषण भी आएंगे। राष्ट्र गर्व से भर जाएगा, ऐसे क्षण भी आएंगे। चौकीदार अगर सक्षम है, चौकन्ना है, जागृत है, तो अभिनंदन भी आए थे, कुलभूषण भी आए। क्या बात है भाई, वाह वाह। अभिनंदन भी आए, कुलभूषण आएंगे। घाटी में आतंकवाद का काबिज होना मुश्किल था, कश्मीरी पंडित के सूखे आरिज होना मुश्किल था। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या उपयोग किया है। कश्मीरी पंडित के सूखे आरिज होना मुश्किल था। और पंक्ति लेना, कार्यपालिका अगर कर्म पथ पर होती आत्मार्पित तो फिर हाफिज सईद का अल्लाह हाफिज होना मुश्किल था। हाफिज सईद का अल्लाह हाफिज होना मुश्किल था। और कुछ लोगों ने अनामिका जी कर्तव्य निष्ठा की मिसाल इस देश में कायम की है, कर्तव्य निष्ठा की। कुछ नाम उसमें से कविता में रखता हूं, अगर आपके दिल को भी लगे कि ये लोग वास्तव में ऐसे हैं जो हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं, हमारे देश का परिचय हो सकते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का एक ऐलान हो सकते हैं, तो उन नामों पे आपका समर्थन मांगते हैं। सुनिएगा। साक्षी मिश्रा का हम भी अपमान नहीं करते हैं, पर क्या बात है, परिचित है इस नाम से। बिल्कुल, तालियां उठे हैं आपकी। बिल्कुल, क्या दिया देश को, क्या मिसाल दे दी। साक्षी मिश्रा का हम भी अपमान नहीं करते हैं, पर अपनी बेटी हिमा दास के जलवे का अभिनंदन। क्या बात है, बहुत शानदार भाई, वाह 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 वाह। दो दो घंटे तक चैनलों पर बिठाकर आपने किस तरीके से समाज में प्रतिष्ठा कायम की, उसके जवाब में कवि अपनी जवान देता है। साक्षी मिश्रा का हम भी अपमान नहीं करते हैं, पर अपनी बेटी हिमा दास के जलवे का अभिनंदन है। इंटरनेशनल न्यायालय में केस लड़ा कुलभूषण का, एक रुपया लेने वाले सालवे का अभिनंदन। क्या बात है, एक रुपया लेने वाले सालवे का अभिनंदन है। और एक नाम सुनिएगा, आप सब परिचित होंगे, सालवे का अभिनंदन है। घर में घुसकर मारो ऐसी प्लानिंग जो कर सकता है, डोभाल साहब के रुतबे का अभिनंदन है। डोभाल साहब के रुतबे का अभिनंदन है। अभिनंदन है वायुवीर अभिनंदन के उस पौरुष का, हर सैनिक के राष्ट्र समर्पित जज्बे का अभिनंदन है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार भाई अजय जी। क्या बात है भाई, वाह वाह। अजय अंजाम जी ने बहुत शानदार बात कही, बहुत अच्छी बात आप तक पहुंचाई, और यही हमारा विषय है, यही हमारी बात है कि जब कोई भी कार्य किया जाए उसको सदाचार के साथ किया जाए, पूरे मन के साथ किया जाए, तो वो कार्य अपने आप में सक्षम होता है। आइए थोड़ा सा और हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं उनकी ओर जिनका नाम सौरभ सुमन होता है। एक बार जोरदार तालियां सौरभ सुमन जी आपके बीच, आपकी तालियां आती रहे जब तक वो मंच पर आते हैं। मैं आरंभ करता हूँ, सुनिएगा। मैं सीधे सीधे से पंक्तियां देना चाहता हूँ। होते हैं जी काम सब, देखूं हैरान अब, ऐसे इतरा के मुझे दांत यूं दिखाओ ना, ऐसे इतरा के मुझे दांत यूं दिखाओ ना। आप ही हैं होशियार, हमें कब इनकार, होशियारी हम पे यूं आप यूं जताओ ना, होशियारी हम पर आप यूं जताओ ना। हमें भी सिखाओ दाओ कि हमें भी सिखाओ दाओ, फाइल में लगाओ पाओ, हमें भी सिखाओ दाओ, फाइल में लगाओ पाओ। पिस्टल लाइसेंस मुझको दिलाओ ना, पिस्टल लाइसेंस मुझको दिलाओ ना। कई महीनों से अटकी हुई है फाइल मेरी, कि कई महीनों से अटकी हुई है फाइल मेरी। घूस कैसे देनी है ये मुझे भी सिखाओ ना, घूस कैसे देनी है ये मुझे भी सिखाओ ना। अच्छा, जिसको हम लोग रिश्वतखोरी कहते हैं, कहते हैं कि ये रिश्वत है, ये रिश्वत है, ये रिश्वत नहीं है, वो क्या है, वो मैं बात कहने की कोशिश
कोशिश करता हूँ आप तक बात पहुँचे कि कौन कहता है सेवा मुफ्त में मिलेगी यहाँ, कौन कहता है सेवा मुफ्त में मिलेगी यहाँ। सुविधा की सरकारी सेवा ली तो दे रहे, सुविधा की सरकारी सेवा ली तो दे रहे, दंड का विधान नहीं कोई प्रावधान नहीं, कि दंड का विधान नहीं कोई प्रावधान नहीं। अधिकारी ने करी डिमांड भी तो दे रहे, अधिकारी ने करी डिमांड ही तो दे रहे। अग्नि हवन की बुझे तो बुझे हमको क्या, लकड़ी कपूर और देसी घी तो दे रहे, लकड़ी कपूर और देसी घी तो दे रहे, लकड़ी कपूर और देसी घी तो दे रहे। आप जिसे रिश्वत बार बार कहते हैं, कि आप जिसे रिश्वत बार बार कहते हैं, वो तो बस सुविधा का शुल्क ही तो ले रहे, वो तो बस सुविधा का शुल्क ही तो ले। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, वो तो बस सुविधा का शुल्क ही तो दे रहे। आइए मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ कि रियासत भी तुम्हारी है, सियासत भी तुम्हारी है। जब एक बार फाइल दब जाती है, सामने आ जाती है, तो फिर मन करता है कि उनको सिर्फ यही कहा जाए जो मैं इन चार पंक्तियों में आप तक पहुंचा रही हूं। सुने कि रियासत भी तुम्हारी है, सियासत भी तुम्हारी है, सलाखें भी तुम्हारी है, हिरासत भी तुम्हारी है, सलाखें भी तुम्हारी है, हिरासत भी तुम्हारी है। जिसे चाहो कहो मुजरिम, जिसे सूली पे लटका दो, वकालत भी तुम्हारी है, अदालत भी तुम्हारी है, वकालत भी तुम्हारी है, अदालत भी तुम्हारी है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं खुद को आमंत्रण देती हूँ और बहुत थोड़ा सा सुना करके फिर अपनी जगह पे आती हूँ। आपकी तालियां मुझे मिले। आइए मैं प्रारंभ करती हूँ। सुने कि हर आसन पर राजतंत्र की कालिख बनकर बैठे हैं, हर आसन पर राजतंत्र की कालिख बनकर बैठे हैं, भोली बेबस बंदों के वे खालिक बनकर बैठे हैं, लोकतंत्र की इससे ज्यादा लाचारी अब क्या होगी, लोकतंत्र की इससे ज्यादा लाचारी अब क्या होगी। जो जनता के सेवक थे वो मालिक बनकर बैठे हैं, जो जनता के सेवक थे वो मालिक बनकर बैठे हैं। आपने मुसद्दी लाल तो सुना होगा, सबने सुना होगा, ये है क्या आखिर, यहीं से बात शुरू होती। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, अंतिम पंक्तियां हैं और उसके बाद मैं अगले क्रम को आप आवाज देती हूँ। सुनिएगा कि बाबू को जो माल खिलाते लोग वे माला माल मिले, बाबू को जो माल खिलाते लोग वे माला माल मिले, सुविधा शुल्क बचाने वाले जिसकी बात आदरणीय कर रहे थे कि वो आराम से कहते थे ये है ही क्या, आपको हम सेवा दे रहे हैं उसका शुल्क है। तब कहती हूँ कि बाबू को जो माल खिलाते लोग वे माला माल मिले, सुविधा शुल्क बचाने वाले लोग हमें कंगाल मिले, चप्पल क्या हमको तो उनकी टांगे तक भी घिसी मिली, ऑफिस ऑफिस खेल रहे जो हमें मुसद्दी लाल मिले, ऑफिस ऑफिस खेल रहे जो हमें मुसद्दी लाल मिले, ऑफिस ऑफिस खेल रहे जो हमें मुसद्दी लाल मिले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक छोटा सा ऑफिस ऑफिस यहाँ भी खेलते हैं और मुसद्दी लाल जी को आवाज देते हैं। मेरा मतलब है आदरणीय दिनेश देहाती जी आए और आपकी जोरदार तालियां उन तक पहुंचे। दिनेश जी धन्यवाद। चार पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूं, व्यंग की पंक्तियां आप संभालें और बहुत अच्छे विषय पर बहुत अच्छी बातें भी। मैं देहाती आदमी छोटी सी आप तक चाहता हूं। बिल्कुल छोटी सी बात आप पहुंचाएं, बहुत धन्यवाद। के रखा है फाइल पे वजन साहब, कितनी देर लगती है जचाने में। अधिकारी बोला अरे थोड़ा तो समय दे माल पचाने में। वाह क्या बात है, अच्छा व्यंग है भाई। थोड़ा तो समय दे माल पचाने में। देहाती तुम नहीं समझोगे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम तो लगे हैं देश में ईमानदारी बचाने में, हम तो लगे हैं देश की ईमानदारी बचाने में, हम तो लगे हैं देश की ईमानदारी बचाने में। और चार पंक्तियां फिर आपके बीच में रखता हूँ कि बाबुओं को एक नजरिए से मत देखो, दूसरा भी दृष्टिकोण है कि राष्ट्र उत्तान होगा सेवा से ना कि खुदगर्जी से, और देश हित का काम करो अब सिर्फ अपनी मर्जी से, सबल का साधन बनो
निर्बल की मुस्कान बनो, तुम हो अगर इंसान तो हर कदम पे इंसान बनो। क्या बात तुम है? हो अगर इंसान तो हर कदम पे इंसान बनो, और गर्व करे जन जन तुम पर, देश को भी अभिमान हो, और तुम रहो मर्यादा संपूर्ण तंत्र की, तुम पर तुम्हारा भी सम्मान हो। क्या बात है, कार्यपालिका की जीवन है, प्राण है, धड़कन है, बहुत शानदार काव्य पाठ किया। तो करप्शन की बात चल रही थी, अफसर कर्मचारी क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ये भी होता है कि कोई कर्मचारी बहुत ईमानदारी से भी काम कर रहा होता है और उस पर प्रेशर कहीं और का पड़ जाता है, कोई कर्मचारी बिना प्रेशर के भी भ्रष्टाचार के साथ भी काम कर रहा होता है। ये कवि युद्ध एक तरह का युद्ध है जो भ्रष्टाचार और सदाचार के बीच में है। इसी युद्ध को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ और एक बार आपकी तालियों के मध्य, आपके तालियों के आमंत्रण के मध्य में पुनः आवाज देना चाहती हूँ यशोदा सोलंकी जी को, वो आए और अपनी बात आप तक पहुंचाएं। इसके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, यशोदा सोलंकी जी आपके बीच। एक बार फिर से आपको प्रणाम करती हूँ। और सरकारी दफ्तरों में लोग जीवन भर चप्पल ही नहीं, नाक भी रगड़ते हैं। अच्छा? तो एक दर्द की पैरोडी निकली है और आप सबकी तालियों के बीच में वो पैरोडी रखती हूँ। नामिका जी स्वागत है। वाह बाबू जी वाह, सेवक बन कर लूटा। वाह बाबू जी वाह, क्या बात है, सेवक बन कर लूटा। सच्ची बात कहते हैं तेरा हर वादा झूठा। वाह बाबू जी वाह, सेवक बन कर लूटा। कागज के इन पर्चों पर कितने खर्चे हो जाते हैं, योजना सो जाती है, चर्चे बड़े हो जाते हैं। देश के एक बहुत बड़े व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई जी, उनकी एक रचना है भोला राम का जीव, शायद आप सब लोग जानते हैं। उसी से मैंने एक दृष्टांत पे चार पंक्तियां लिखी हैं कि बाबुओं के चक्कर में भोला राम के जीव भी भटक जाते हैं, बाबुओं के चक्कर में भोला राम के जीव भी भटक जाते हैं, मुद्दा फाइलों में है और जिंदा फांसी पे लटक जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंसान क्या इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा, इंसान क्या इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा, ये बाबू लोग नारद देवता की वीणा तक गटक जाते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। कागज के इन पर्चों पर कितने खर्चे हो जाते हैं, योजना सो जाती है और चर्चे बड़े हो जाते हैं। लेखपालों ने सबको लूटा, मांग कर अपना ये अंगूठा। वाह बाबू जी वाह, सेवक बन कर लूटा। नोटों के स्टैंप लगा के लाखों के नोट कमाते हैं, हम ये नोट करते हैं, नोट आउट वाई नोट होते हैं। और अंत में सलाह तो नहीं कहूंगी लेकिन एक छोटी सी बात जरूर कहूंगी कि बाबुओं से संभलना, आए इनको छलना। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, पग पग दफ्तर में बाबूजी धीरे चल। क्या बात है, बहुत शानदार। यशोदा धीरे चलना, बहुत शानदार काव्य पाठ किया। एक बार जोरदार तालियां हो यशोदा सोलंकी जी के लिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, वो अनामिका जैन अंबर जो आपके बीच कवि युद्ध का खड़े होकर के संचालन कर रही है, वो जिस बुंदेलखंड के जिस धरती से आती है उसका नाम ललितपुर उत्तर प्रदेश होता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आजकल ललितपुर उत्तर प्रदेश में जो लोगों को सौभाग्य स्वरूप जो डीएम वहां पर मिले हैं, जिलाधिकारी वहां पर मिले हैं, उनका नाम मानवेंद्र सिंह जी होता है, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम वहां पर किए हैं। जब भी मेरा जाना होता है, मिलना होता है या वहां से इस बात की सूचना हमें मिलती है तो ये सुनने में आता है कि वो अधिकारी जो कभी किसी बड़े राजनेता के आगे नहीं झुका, वो अधिकारी जिसने कभी अपने किसी भी काम को कम नहीं समझा, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। मुझसे कई बार उन्होंने ये कहा कि यहां के लोगों को बोलो कि वो आए मुझसे बात करें ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। मैं बहुत गौरवान्वित होती हूं उनका परिचय कराते हुए। मैं चाहती हूं कि आपकी जोरदार तालियां
उनके सम्मान में हो। और इसी ताली के साथ मैं उन्हें मंच पर आमंत्रण देती हूँ कि वो आए और अपनी कविता के साथ आप तक अपनी बात पहुँचाएं। जी सर, अनामिका जी ने जो मेरी तारीफ की है उसके लिए मैं इतना हकदार नहीं हूँ। देखिए, जब भी करप्शन की बात होगी तो सबसे पहले लीडरशिप, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, उसके ऊपर आरोप हमेशा लगेंगे, उस पर व्यंग भी किए जाएंगे और उस पर जो जनाक्रोश है वो भी जायज है। मैं मानता हूँ इस चीज को। आस्तीन के सांप दिखाई नहीं देते, महसूस किए जाते हैं, बहुत करीब होने का एहसास भी दिलाते हैं। उन्हें नहीं है बहुत जल्दी, वे तो बस मौके की तलाश में रहते हैं। उनके दंश से मरता नहीं कोई, किंतु जख्म बहुत गहरे दे जाते हैं। जिंदगी को वीरानियों में धकेल जाते हैं, जीने की चुनौती भी सौंप कर जाते हैं, कि आस्तीन के सांप, जब से मैंने तुम्हें जानना चाहा है, पता नहीं क्यों मेरे इर्द गिर्द लोग घबराने लगे हैं। कदाचित उनके अंदर का सांप तुम्हारे चर्चों से असहज हो चला है और अब वह अन्यत्र खोज पर निकल गया है, आस्तीनें तलाश रहा है और लोग घबरा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आस्तीन के सांप बहुत खूबसूरत होते हैं, गजब का सम्मोहन होता है उनकी आंखों में, आदमी समझ नहीं पाता उन्हें, मंत्र मुग्ध सा चक्कर लगाता है उनके पीछे, जैसे ओखली में मट्ठा पिला दिया हो किसी ने। जब एक दिन वह फन फैलाकर काटने को उद्यत होता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है, आस्तीन छत बिछत हो फट चुकी होती है। यही देश की व्यवस्था है। क्या बात है। आस्तीन के सांप, अब सुनो मेरे लहू की पुकार, ललकारता हूँ तुम्हें। अच्छा है। अब सुनो मेरे लहू की पुकार, ललकारता हूँ तुम्हें। तुम मुझ पर विजय इसलिए पा सके हो कि अब तक तुमने सब पीछे से बार किए हैं। अरे वाह, क्या बात है। तुम मुझ पर विजय इसलिए पा सके हो कि अब तक तुमने सब पीछे से बार किए हैं, किंतु सावधान, अब आघात करने से पहले फिर सोचना, क्योंकि अब मेरे पार्श्व में भी आंखें उगाई हैं। बहुत खूब, क्या बात है। मेरे पार्श्व में भी आंखें उगाई हैं। वाह, बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां हो। बहुत शानदार है, तो मैं नांग बनने के लिए तैयार हूं। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो। बहुत शानदार बात उन्होंने कही। मुझे तो बात याद आ गई उनकी बात पर। जब तक वो अपना स्थान लेते हैं, मैं कहती हूँ कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, एक दो चीटी जिनकी अंबर राह छोड़कर चली गई, वही केंचुए अक्सर खुद को सांप समझने लगते हैं, एक लोकप्रिय गीत, उस लोकप्रिय गीत की एक पंक्ति लेकर के उस पे तीन और पंक्तियां लगा करके जिस शानदार पंक्ति का निर्माण किया जाता है उसे गीत आधार कहते हैं। मैंने भी प्रयास किया है, वही आप तक पहुंचाती हूं। बहुत शानदार बात हुई है अब तक। कहती हूं कि जानती हूं कि मुझे चांद को पाने की, जिद है आंखों में नया ख्वाब एक लाने की, यकीन न हो तो मेरी धड़कनों को सुन लेना, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, ये हसरत मुझे आपसे दिल लगाने की है, लेकिन यही हसरत
जनता को अपने प्रतिनिधि से काम कराने की है और प्रतिनिधि को जनसेवक के पास जाके फाइल साइन कराने की है, तो ये हसरतें पूरी होती रहे, कहीं भ्रष्टाचार से सदाचार जीत जाए, इसी संकल्प के साथ हम अपने कवि युद्ध को आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते ही रहेंगे। आप भी इसे ग्रहण करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी मोहब्बतों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।